हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्ड कॉम। गोंडवाना के वीर क्रांतिकारी राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर जबलपुर में बड़ा सियासी शो होने वाला। आपको बताते हैं कि आखिर राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह थे कौन। राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान देकर बगावत की ऐसी चिंगारी लगाई कि अंग्रेज़ों के लिए एक शोला बनकर भड़की। अंग्रेज़ों ने दोनों क्रांतिकारियों को 1857 में तोपों के मुहाने से बांधकर सरेआम उड़ा दिया था। गोंडवाना वंश के दो वीर राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह की ये कहानी 18वीं शताब्दी की है। उस समय शंकर शाह गोंडवाना के राजा थे और राजकुमार रघुनाथ शाह उनके बेटे। सन 1857 में जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क बहुत क्रूर था। वो जमींदारों और जनता को काफी प्रताड़ित करता था। ये देखकर गोंड राजा शंकर शाह ने उसके अत्याचारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजा शंकर शाह और उनके राजकुमार बेटे रघुनाथ शाह दोनों अच्छे कवि थे। उन्होंने कविताओं के जरिए विद्रोह की आग पूरे राज्य में सुलगा दी। ये बात अंग्रेजों को नागवार गुजरी। उन्होंने 14 सितंबर 1857 की रात राजा शंकर शाह के महल को घेर लिया और पिता पुत्र को बंदी बना लिया। जबलपुर शहर में अब भी वो जगह मौजूद है जहां पिता पुत्र को बंदी बनाकर रखा गया था। अंग्रेजों ने उनसे माफी मांगने और साम्राज्य के समर्पण की शर्त रखी, जिसे पिता पुत्र ने ठुकरा दिया। और ऐसे में अंग्रेजों ने उन्हें बर्बर तरीके से मौत की सजा सुनाई। 18 सितंबर 1857 को पिता पुत्र को अलग अलग तोपों के मुंह से बांध दिया। जबलपुर के मौजूदा माल गोदाम चौराहे पर तब जनता की भीड़ उमड़ रही थी। तोपों से बंधे पिता पुत्र ने अपनी प्रजा को आजादी की अहमियत पर एक एक छंद सुनाया। छंद पूरा होते ही जनता में राजा और राजकुमार की जय के नारे गूंज उठे। इस बात से बौखलाए अंग्रेजों ने तोप में आग लगा दी और राजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह वीर गति को प्राप्त हो गए। वो चाहते तो अंग्रेजों को सबका रहस्य बता देते, जैसा बाकी सभी ने कर लिया, ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते, लेकिन उनको वो जो रानी दुर्गावती की जो आन बान शान थी, जिसने आसफ खान के साथ जंग लड़ी थी और इसको पराभूत नहीं होने दिया था, वह आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग और बलिदान की परंपरा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने कायम की। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने हंसते हंसते शहादत स्वीकार की, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। वीर पिता पुत्र की शहादत के बाद पूरे गोंडवाना साम्राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई, जो देखते ही देखते अंग्रेजों के खिलाफ एक शोला बनकर भड़की। जो एक बैठक हुई थी जिसमें पूरे महाकौशल के जो रजवाड़े थे उनको उन्हें इकट्ठे कर अंग्रेजों का तख्ता पलट करने का प्रयास किया था। इसलिए उस दृष्टि से देखा जाए तो यह अति महत्वपूर्ण जो है आत्मोत्सर्ग है, प्राणोत्सर्ग है या बलिदान है। अंग्रेजों के अत्याचार की इस पराकाष्ठा में भी क्रांति का संदेश देकर हंसते हंसते कुर्बान हो जाना वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह के लिए ही संभव था। हालांकि वीर पिता पुत्र की शहादत को आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में प्रमुखता से दर्ज होने का इंतजार है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।